नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइव्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। बता दें, सोनाली फोगाट के केस में जहां एक ओर सीबीआई छानबीन कर रही है, तो वहीं अब इस केस में बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का बड़ा कदम देखने को मिला है। जी हां, आपको बता दें, लगातार सोनाली फोगाट के मायके पक्ष की ओर से बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई पर सवाल उठाए जा रहे थे कि सोनाली फोगाट के निधन में शायद उनका भी किसी तरह से हाथ है, या यूं कहें कि उनके निधन की साजिश ही कुलदीप बिश्नोई ने रची है। लेकिन लंबी चुप्पी के बाद अब यहां पर फाइनली कुलदीप बिश्नोई का एक बड़ा कदम देखने को मिला है। बता दें कि बीते 24 घंटों में कुलदीप बिश्नोई की एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। और आखिरकार क्या है इस फोटो का सच और क्यों इस फोटो को सोनाली फोगाट के केस से जोड़ा जा रहा है? दरअसल आपको बता दें कि सोनाली फोगाट के ससुराल पक्ष से कुलदीप बिश्नोई कल मिलने पहुंचे हैं। जी हां, संत नगर स्थित सोनाली के जेठ और देवर के घर पर पहुंचे कुलदीप बिश्नोई ने सोनाली फोगाट के ससुराल पक्ष से मुलाकात की। इस दौरान सोनाली फोगाट के ससुराल पक्ष वालों ने कहा, दो दिन पहले हुई पंचायत में फोगाट परिवार का कोई लेना देना नहीं है, ना ही उसमें हुए फैसले पर उनकी सहमति है। ससुराल पक्ष के लोगों का कहना है कि फोगाट परिवार से कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर ढाका या पुनिया परिवार में से किसी को चुनाव लड़ना है तो वो अपने बलबूते पर लड़े। वह तो सोनाली की बेटी की अच्छे से परवरिश करेंगे, ना कि उसके पैसे का गलत इस्तेमाल करेंगे। बता दें, कुलदीप बिश्नोई की इस दौरान 10 मिनट तक फोगाट परिवार के सदस्यों से मुलाकात हुई। उन्होंने साफ कहा कि उनके ऊपर लगाए जा रहे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। आदमपुर उपचुनाव के बाद आरोप लगाने वाले नजर भी नहीं आएंगे। हालांकि इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए इस मामले में अपना पक्ष नहीं रखा कुलदीप बिश्नोई ने। 24 सितंबर को जाट धर्मशाला में सर्व जातीय महापंचायत के नाम पर बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सोनाली फोगाट के मायके परिवार के सदस्यों ने कुलदीप बिश्नोई पर सोनाली फोगाट के निधन की साजिश का शक जाहिर किया और अपना स्टैंड क्लियर करने की मांग की। इसी बैठक में सोनाली की राजनीतिक विरासत उनकी बहन रुकेश पुनिया को सौंपने का भी फैसला हुआ। खास बात ये रही कि इस पंचायत में सोनाली के ससुराल पक्ष यानी के फोगाट परिवार से एक भी शख्स शामिल नहीं हुआ। अब कुलदीप ने सोनाली फोगाट के परिवार से मिलने पहुंचे और जिसके बाद कई चीजें साफ हो गई। क्या ये कहा जा सकता है कि वाकई में सोनाली फोगाट के केस को परिवार राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि अगर सोनाली फोगाट के ससुराल पक्ष की ओर ध्यान दें तो उनका तो यही कहना है। आपकी इस पर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।